हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मेट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीमेल अकाउंट के अंदर थीम्स कैसे बदल सकते हैं। जीमेल में कई प्रकार की थीम्स होती हैं, उनको कैसे आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा खास नहीं है, बहुत सरल है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा जीमेल अकाउंट है, इसमें आप देख रहे हैं थीम मेरी लगी है। ये देखिए प्लस बन करके आ रहे हैं बैकग्राउंड में, ये इसको थीम बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये थीम कैसे बदलती है। तो दोस्तों आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर इसमें सेटिंग में जाना है। यहाँ जा कर के भी आप थीम्स को सेट थीम पे कर सकते हैं। ये इतनी प्रकार की देखिए थीम्स हैं। देखिए मैंने प्रेजेंट में ये लगा रखी है, एक तो ये है, दूसरा डायरेक्ट आप देखिए इनबॉक्स पर रहिए। ये देखिए सेटिंग पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको यहाँ से थीम्स दिख जाएंगी। ये देखिए मैं हमारी प्रेजेंट वाली दिख रही है। ये इसमें अलग अलग प्रकार के थीम्स अवेलेबल हैं, चाहे तो आप यहाँ से अपना फ़ोटो अलग से डाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पहले के फ़ोटो हैं, आप अपलोड करना चाहें यहाँ से नया अपलोड कर सकते हैं। कोई URL अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं। रिसेंटली सिलेक्टेड कोई नहीं किया, अगर होता तो यहाँ पर दिखाता। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए फीचर्ड में आइए, इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर से ये लगा के दिखाता हूँ। देखिए इसको करिए और सिलेक्ट कर लीजिए, इसको करिए सेव। ये देखिए दोस्तों थीम बदल गई। इस तरह से आपके जीमेल अकाउंट की थीम्स बदलती हैं। देखिए इसी तरह से दूसरी लगाना है अगर आपको, तो ये लगा के देखता हूँ कैसे लगती है। ये देखिए दोस्तों बेस्ट लग रही है, वैसे अच्छी तरह से दिख भी रहा है, देखिए कितनी बढ़िया तरह दिख रहा है। वैसे आप जो चाहें थीम लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए कितना आसान तरीका है, जैसे जीमेल का अकाउंट अपने आप दिखने में एक अलग सा दिखता है, और यदि आप किसी दूसरे के सामने खोलेंगे तो वो कहेंगे अरे आपका अकाउंट इतना अलग से कैसे दिख रहा है। अगर बेसिक होगा तो कोई कहेगा अरे ये तो मेरा भी ऐसे ही खुलता है। लेकिन यदि आप अपना अकाउंट में थीम्स लगा के रखेंगे तो यदि किसी दूसरे के सामने खोलते हैं तो उसका अट्रैक्शन अलग ही होगा। तो दोस्तों आज आपने सीख लिया कि थीम्स कैसे बदलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।